सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल नवदीप सिंह लुधियानवी ते। अज मैं जिहड़ा तुहाडे लई दस्तार दा ट्यूटोरियल लैके आया वह हैगा रिवर्स पेच वाली दस्तार दा ट्यूटोरियल। इहदे विच मैं तुहानूं पौनी बेस ते दस्तार पूरी स्टार्टिंग तों लैके एंड तक पूरी डिटेल दे विच दसांगा। इस लई इस वीडियो नूं कितों वी स्किप ना करो, अगे पिछे करके इस वीडियो नूं ना देखो, ठीक है जी। तो हुण मैं तुहानूं दस्तार दी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे देवां। इस दस्तार दी 8 मीटर दी लेंथ है जी, रूबिया वेल कैमिकल क्लोथ है जी, ते कलर तुसीं देख सकदे हो रॉयल ब्लू कलर है, ठीक है जी। ते हुण मेरे वीरों चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ ते बैल आइकन नूं क्लिक कर रहे हो ताकि मेरी पाई वीडियो सब तो पहले तुहाडे तक पहुंच सके, ठीक है। जे तुहानूं होर कोई वीडियो चाहिए तो तुसीं आई बटन ते जाके क्लिक करो, तुहानूं उत्थों मेरी नवीं वीडियोज़ मिल जाणगीआं। ते बाकी वीडियोज़ दे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन च दित्ते होए आ। हुण आपां दस्तार दा ट्यूटोरियल शुरू करदे हां। तो सब तो पहले इस दस्तान को सजाने लिए असी दस्तान को गिला करांगे ते इसकी पूनी करांगे। गिला किस तरीके ना करना है वह तुहानूं मैं दस रहा। देखो कि ये चार तह वजिया हुई दस्तार दियाँ, मतलब कि चौरी दस्तार है, सिलाई तो पकड़ के तह मारी हुई है। तो इस तरीके पानी लाने का फायदा यह होंगे कि दस्तार के हर हिस्से तक पानी इको जहा जाता है। तो दस्तार हमेशा इको जी ही गिली होनी चाहिए है बनने तो पहला। जे कि तो दस्तार ज़्यादा गिली या घट गिली होगी तो वह दिक्कत दिंदी होंगी है, इस गल का ध्यान रखियो, ठीक है। इसलिए गिली करने का सही तरीका आ ही होंगे दस्तार को। तो हुण आपां दूजी साइड पर भी इस तरीके पानी लावांगे ता जो अपनी दस्तार हर हिस्से तो बराबर गिली होवे। दस्तार बनने से भी ज़्यादा सुखाली उदों ही लगती होंगी है जो अपनी दस्तार सारी जगह तो इको जी गिली हो, ठीक है जी। इस तरीके सारी दस्तार में पानी लगा लेना हर हिस्से पर, जिमें कि तुम्हें वीडियो के दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हुण आपां की करना है, हुण आपां दस्तार का उपरला एक पला छड़ के एक पला पकड़ांगे, ठीक है। फिर एक पला छड़ के फिर एक पला फड़कड़ांगे। देखो इस तरह दोनों पलिया नूं आपां उंगलां ते लपेट लेना है। तो जिथे तुसीं या किसी नूं पकड़ा के या कि बन के दस्तार की पूनी करना चाहते हो तो उस तरीके कर सकते हो। सब तो पहला एक सही जगह पर जिथे कि दस्तार नूं कोई प्रॉब्लम ना आए या दस्तार गंदी ना हो उस जगह पर तुसीं दस्तार नूं बनना है, ठीक है। तो फिर दस्तार नूं बन के पिछे जाते हुए इस गल का ध्यान रखना है कि दस्तार अपनी नीचे ना लगे, ठीक है जी। बड़े ही प्यार नाल पिछे पिछे जाना है। तो सिलाई नूं आपां अपने खब्बे हाथ के कोल रखना है, ठीक है। इस तरीके नाल खब्बे हाथ को रखना है। तो सिलाई के बराबर ही दूजी साइड तो पल्ला पकड़ के दोनों साइड्स तो आपां पेचा नूं अंदर करना है। देखो जी खब्बे हाथ कोल सिलाई रखने का सानूं यह फायदा होंदा जदों आपां पहले लड़ दे अंदर नूं फोल्ड करते हैं तो उहदे अंदर जगह होंदी है, दोनों पल्ले बराबर अंदर होंदे आ काफ़ी अंदर तक, जिहदे कारण सानूं अंदर किसी होर लेयर की लोड़ नहीं पैंदी, ठीक है। तो देखो पहली बार पूनी नूं पकड़ के असी बांह जिनी चौड़ी जो आपां कर लेनी ना पूनी, मतलब कि बांह जिनी, देखो लंबी पूनी होगी। तो फिर इहनूं आपां गिट तो थोड़ा घट रखना चौड़ा उंगली छड़ के, तो इसे दो पल्लियां नूं उपरों पकड़ते हुए आपां अगे नूं जाना पूनी करते हुए। तो आ सेंटर च पहुँच के साडी जिहड़ी पूनी आ उह डेढ़ गिट इंच ते जां सवा गिट इंच करीब होनी चाहिए है। सवा समझ गए ना तुसीं, डेढ़ या सवा दे विच होनी चाहिए है। जिवें कि तुहानूं इह सवा तो थोड़ी जी वध सी, इन्नी क पूनी होनी चाहिए साडी किसी भी तरीके की दस्तार सजाने लई। तो उन्हां ही उपरले पल्लियां नूं पड़दे हुए आपां अगे नूं जाना है। तो यह तो सीगी तुहाडे लई पूनी की वीडियो। तो हुण आपां अगे तुहानूं पूरी दस्तार बन के दिखावांगे इहदे नाल, ठीक है जी। तो हुण आपां इस दस्तार नूं सजाण लई सब तो पहला बेस तैयार करांगे। वह किवें करना है, लैफ्ट साइड ते आपां जूड़ा करना है, बड़ा ही हल्के ढंग नाल जूड़ा करना, ज़्यादा टाइट नहीं करना, ज़्यादा वाला नूं घुमाना नहीं हैगा। तो देखो कंन दे उपर जूड़ा करना है इस तरीके नाल, ते नाल आपां कंघा रख लांगे, ठीक है जी। पहलों आपां बेस रखांगे जिहड़ा कि अपना बेस आपां बनाया होया एक मीटर का, इहदा भी ट्यूटोरियल मैं पाया होया इहदी तैं किवें मारनी है उहदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन च दित्ता होया, तुसीं उत्थे जाके देख सकदे हो, ठीक है। तो इहदे उपरों असीं अपना जिहड़ा एक मीटर का पन्ना बन्नदे हुंदे आ उह बन्न लेना है, जिवें कि तुहानूं वीडियो दे विच दिखाया जा रहा है। इहदे विच असीं दो गट्ठां मारनियां पिछे तां जो अपने पटके की जिहड़ी मजबूती है वह अपनी जगह पर बनी रहे ते दस्तार भी अपनी जगह तो ना हिले। बेस आपां पटके के अंदर मैं इसलिए रखदा क्योंकि जो आपां उपरला हिस्सा कंप्लीट करना हुंदा है तां बेस उपरले हिस्से नूं कंप्लीट करते हुए कोई दिक्कत नहीं दिंदा, चंगी तरह उपरला हिस्सा कवर हो जाता है। तो सिलाई की मदद नाल हर हिस्से तो केसां नूं अंदर करना है चंगी तरह, किसी भी हिस्से तो केसां नूं बाहर नहीं रहन देना, इस गल का बखूबी ध्यान देना। नहीं तो जे बाहर रह जाण केस तां उह दस्तार बनण तों बाद च दिक्कत दिंदे हुंदे इस गल च, ठीक है जी। तो जिहड़ा हुण आपां पन्ना बनना है, पन्ना आपां ज़्यादा उच्चा नहीं लैके जाना, प्योर पटियाला शाही दस्तार नहीं बनने लगे, थोड़ी सैमी शेप के बनेंगे पर होगी पटियाला शाही दस्तार ही। तो इन आप कंध के उपर रखना है जिमें कि तुम मेरी सारिया वीडियोज़ के देखते ही होंगे हो, ठीक है। तो बाकी बस के हिस्से असी इस तरह विच लगा देना है। तो हुण इहदे उपरों तुसीं किसी भी कलर की 50 बन सकते हो, डार्क कलर की पग है तो उन्ना लाइट कलर की 50 बन सकते हो, मैं तुहानूं पता है इसे कलर की 50 बनता है,
जिहड़ी कि तुहानू वीडियो दे विच देखदी आ। तुसीं इहदे बारे भी पुछदे हुंदे कि मैं ही 50 क्यों मंगा, क्योंकि ये मेरी फेवरेट 50 है ते बाकी मैं किसी होर कलर की 50 लई भी नहीं हुई अज तक। ये असं एक ही गठ मानिए पिछे, ज़्यादा गठा नहीं मानिए, नहीं तो फिर दस्तार के नीचे चुभन लग जाती है साढ़े। हुण देखो तुहानू मैं दस रहा ना कि मतलब आप पूनी की जिहड़ी सिलाई है वह खब्बी साइड से क्यों रखी है, वह कारण यही है। ठीक है कि अपने पहले पेज तो आप जो आप अंदर फोल्ड करेंगे सानू अलग तो पल्ले की लोड़ नहीं पैनी, अपना पहला ही पल्ला दोहरा होएगा। देखो हुण आप इस पेज नू खोल लेना, दोनों पल्ले खोल लेने, तो उन्हें आप तीन उंगलां होंदिया एक बार अंदर फोल्ड करना, उन्ना तीन उंगलां जिन्ना अंदर फोल्ड करना एक बार। देखो जिवें कि तुहानू दस रहा पहले चंगी तरह वट कढ़ लैने हर हिस्से तो, तीन उंगलां अंदर फोल्ड हो गया, इहनू चंगी तरह प्रेस कर लेना, तो एक बार होर तीन उंगलां अंदर फोल्ड करांगे उस जगह तो जिथे वह पेज पहुँच गया होया उस जगह पर। ठीक है इहनू चंगी तरह प्रेस करांगे। देखो इहदे अंदर कोई भी वल विलेवा ना हो, इस गल का बखूबी ध्यान दिओ, उहनू पहलां ही सैट कर लेना नाल। तो हुण इहदा अद्धा हिस्सा, तीन उंगलां का अद्धा हिस्सा आपां बाहर नू फोल्ड कर देना है। ठीक है जी, तीन उंगलां का अद्धा हिस्सा जिवें कि आ बन गया, तीन उंगलों का अद्धा हिस्सा आप बाहर फोल्ड कर देना है, तो जो अपना पेज जो रिवर्स पेज पहला बन जाए। देखो इस तरीके ना तुहाडा रिवर्स पेज बन जाना है, पहला पेज भी सैट हो गया तो पहला रिवर्स पेज भी सैट हो गया। तो इन्हें चंगी तरह प्रेस करके असं इस तरीके रख लेना, तो उपले हिस्से तो भी पग नू फोल्ड कर देंगे इस पल्ले। इस तरह तुहाडा पहला पेज तैयार हो गया। तो उंगल की मदद नाल इहदे विच स्पेस जिहड़ी आ बराबर करते हुए इन्हू इको जिहा मोटा करते हुए पिछे नू ले जाना। देखो इस तरह तुहाडी पेज की उपरों लैके पिछे तक मोटाई बराबर होएगी, कितों भी मोटा पतला नहीं होएगा पेज। जो आप एक तरीके ना एक सही तरीके ना पेज बनाया हुंदा तो कभी घट वध मोटा पतला नहीं हुंदा, जिवें कि तुहानू वीडियो दे विच दिखाया जा रहा है। ठीक है ये टस तो मस भी नहीं होएगा पेज, ना तो हिलेगा तो ना ही यदि मोटाई दे विच कोई तब्दीली आएगी। तो हुण आप इस पेज नू टका के इत्थे चुंडी भर के पहले लगाए पेज नालों इन्ना क नीवा रखना है, दो उंगलां नीवा रखना है, तो उपले हिस्से तो मोटा करना है पेज नू जिवें कि तुहानू वीडियो दे विच दिखाया जा रहा है। तो हुण जिहड़ा आपां दोनों पल्लियां नू बराबर करके अंदर नू फोल्ड करना है, वह करना तुसीं जिन्ना पेज चौड़ा रखना उहनां नालों डेढ़ उंगल ज़्यादा चौड़ा, जिन्ना पेज आपां उपर फोल्ड करना उन्ना एक्सट्रा नीचे नू छड़ना भी है। देखो इन्ना हिस्सा छड़ के चार उंगलां छड़ के बाकी हिस्सा अंदर फोल्ड कर देना, तो फिर इहनू आपां डेढ़ उंगलां उपर नू फोल्ड कर देना है जिवें कि तुहानू दस्सिया सी, आ प्रेस हो गया चंगी तरह उपरों भी फोल्ड करके बाकी बसदा हिस्सा असीं उपर नू फोल्ड कर देना, जिन्ना चौड़ा रखना है उन्ना छड़ के असीं इस तरह उपर नू फोल्ड कर देना। तो उपरले हिस्से तो भी पेज नू मोटा करना है। देखो मोटा इसलिए करना है क्योंकि देखो दोनों साइड तो निचले हिस्से तो उपरले हिस्से तो भी पेज दोनों साइड्स तो बराबर मोटा होना चाहिए, इसलिए उपरों भी फोल्ड करना अंदर। बाकी इहदी सफाई असीं सिलाई की मदद नाल कर सकते हैं, जिवें कि तुहानू मैं वीडियो दे विच करके दिखावांगा। इस तरीके नाल नीचे भी सिलाई फेर सकते हैं तो पेज के उपरले हिस्से पर भी चंगी तरह सिलाई फेर सकते हैं। देखो जी इस तरीके नाल तुसीं पेज नू सैट कर सकते हो। तो एक गल का ध्यान रखियो कि पेज मूल हिस्से तो सारे बराबर होण, इको जगह तो निकलते हुए दिसण, तो ना ही पेचा की जिहड़ी मोटाई आ उहदे विच कोई हेर फेर होवे, सारे पेज इको जिहे मोटे होने चाहिए ने उपरले हिस्से तो भी तो निचले हिस्से तो भी जिवें कि तुहानू दिख रहा ना। तो इस पेज नू पिछे तक साफ करके इस तरह चुंडी भर के पिछे रख देना है। देखो इस दस्तार दे विच मैं तुहानू बैक साइड का भी ट्यूटोरियल नाल ही दे रहा, बाकी तो मेरी सारी दस्तारों के बैक साइड ट्यूटोरियल नाल ही हुंदा, तुहानू दिखता रहा ही है। मैनू अलग तो इस दस्तार का बैक साइड ट्यूटोरियल पाने की लोड़ नहीं हैगी, तुसीं इसे वीडियो देख के कर सकते हो उन्हें भी सैट। उपले हिस्से तो भी आपां पेज नू थोड़ा नीवा रखा है जिवें कि तुहानू वीडियो दे विच दिख रहा है, तो आपां उहनू भी इस पेज नू भी उस तरह ही फोल्ड करना है जिवें कि पहले पेज नू कीता सी। देखो जिन्ना हिस्सा आपां चौड़ा रखना उस तो जिन्ना उपर नू फोल्ड करना उन्ना एक्सट्रा रख के बाकी सारे हिस्से नू अंदर फोल्ड कर देना, तो इस हिस्से नू चंगी तरह प्रेस कर लेना। देखो इहदे अंदर बराबर टोटल कपड़ा होना चाहिए मोटाई दे विच इस जगह पर। ठीक है इस तरह प्रेस करके मोटाई बराबर करके इस पेज नू भी उपर नू फोल्ड कर देना इस तरीके नाल जिवें कि तुहानू वीडियो दे विच दिख रहा। जिवें कि मैं तुहानू कह रहा कि मूहले हिस्से तो पेज बराबर भी होने चाहिए, नाल भी पिंच करना है, तो दोनों साइड तो उपरले हिस्से तो भी मोटा करना है पेज नू, तो निचले हिस्से तो भी मोटा करना है, ता जो जो आप 3D करिए उपरले हिस्से तो निचले हिस्से तो दोनों बराबर दिखाएं, एक डब्बी बनी दिखे जिहड़ी कि तुहानू अलग तो दिखेगी, कल्ली आपां बननी नहीं हैगी, आपां उस दस्तान नू दोनों साइड तो बराबर भी करना है। जिहड़ा पल्ला हुंदा ना चौड़ा जे उपरले हिस्से तो जिन्ना चौड़ा निचले हिस्से तो भी उन्ना ही चौड़ा रहना चाहिए पेज साडा, तो उहनू तुसीं सिलाई की मदद नाल भी सैट कर सकते हो। ठीक है जिवें तुहानू वीडियो दे विच दस रहा मैं,
तो पेज को पिछे तक किवें साफ करना वह भी मैं तुम्हें नाल दस रहा तो बैकसाइड भी किवें साफ करनी वह भी दस रहा जी। आ देखो इस तरीके पेज को पिछे तक उपर न फोल्ड कर देना तो इस तरह पिछे चूंडी भर के इस पेज में रख लेना है। तो इस पल्ले भी आप दोनों पल्ले बराबर करके लगाने जिवें तुम्हें मैं सारिया वीडियोज़ के दसदा हूं इस गल का बखूबी ध्यान देना मेरे सारे वीर ने। देखो दोनों पल्ले बराबर फिर पिछले हिस्से से चूंडी भरेंगे। देखो इस तरीके दोनों पल्ले बराबर कर लिया आप देख के तो पिछले हिस्से तो उस तरीके पकड़ के इस तरह पेज में लगा लेना तो उपरले हिस्से तो भी फोल्ड करेंगे। ठीक है जी तुम्हें देख ही रहा कि किवें कर रहा मैं इस पेज में भी उंजी लगाना है पर इस पेज ने आप कन्न थोड़ा दबावे तो जो अपना कन्न दस्तार तो बाहर ना आए। मेरे एक वीर ने कमेंट किया पिछली वीडियो से कि मैं कितने फोल्ड कर दिया पेज में वह भी मैं तुम्हें करके दिखाना है पिछले हिस्से तो इस तरह कन्न दबा के ये कपड़ा पिछे इस तरह अंदर दे देना। ठीक है हुण मेरे वो वीर की भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया होना तो हुण इस पेज में भी लगाने लिए असी उन्ना ही चौड़ा रखांगे मोहली साइड तो पेज में। ठीक है इन्ना छड़ के इन्ना चौड़ा जिहड़ा आपां उपर नूं फोल्ड करना उन्हूं नाल रख के अंदर इस तरह फोल्ड करके इन्हूं चंगी तरह प्रेस कर लेना। प्रेस करके फिर आपां इस हिस्से तो भी उपर नूं फोल्ड कर देना। देखो एक गल का ध्यान रखियो कि अंदरले हिस्से ते जिहड़ा कपड़ा है वह पूरी तरह हो कि तो वध घट ना हो तो दिक्कत ना दे। देखो इस तरह कि पल्ला अंदर तक उपर तक चढ़ा दी आप जो आप उपर फोल्ड करिए नीचों जी बाहर ना आए। ठीक है जी तो इस तरीके इस पेच में भी पहले पेचा वाग एक जगह पर लगा देना है तो सारे पेचा एक जगह पर ही पिंच करा तो उपरले हिस्से तो मोटा करते हुए इस पेच में इस तरीके लगाना है। देखो जिन्ना पेच निचले हिस्से तो मोटा है यह उन्ना ही उपले हिस्से तो मोटा रखना है जिमें कि तुम्हें वीडियो के दिखाया जा रहा है। तो इस पेज में पिछे तक उस तरीके पिंच करना है जिमें कि स्टार्टिंग तो किया पेज में आप पिछे तक ही साफ रखना है उपर फोल्ड करके रखना है जिमें कि तुसी वीडियो दे विच देख रहे हो तो पिछे इस तरीके चूंडी पड़ देनी है अंगूठे की मदद नाल। तो ये दोनों पल्ले फिर असी दोनों बराबर करने हैं। ठीक है ना जी थोड़ा लैवल में दस्तार दे सैट करांगे दोनों पल्लिया की जिहड़े दोनों पल्ले आ दस्तार दे इस पल्ले दे उन्हां दोनों नूं बराबर करांगे पिछले हिस्से से चूंडी भरेंगे तो इस तरह पहले पेज नालों थोड़ा नीवा लगावांगे जिवें तुहानूं वीडियो दे विच दिखाया जा रहा है। देखो कन्न वाले हिस्से तो असीं पेज नूं हमेशा खिंच के रखांगे तां जो कन्न दे उपर ज्यादा मोटा हिस्सा ना आवे तो उपरले हिस्से तो भी नाल नाल फोल्ड करांगे तो बाकी पेचा दी स्पेस भी बराबर करांगे। ठीक है उपरले हिस्से तो भी पेज नूं दबावांगे तो इस पेज नूं भी बाकी पेचा वांग ही फोल्ड करना है जिन्ना चौड़ा रखना है उहदे नालों दो उंगलां चौड़ा रखना लाणू ते उन्हूं अंदर तक इस तरह लगाना पेज में जदों आपां बाहर नूं फोल्ड करिए अंदरला हिस्सा बाहर नूं ना आवे। इस पेज में चंगी तरह प्रेस करना है इस पल्ले दे अंदर अंदर तक दोनों पल्ले होने चाहिए है जिवें कि हुण आपां प्रेस करन तो पहले देखो इदां सैट कर लेने ने ते इहदे अंदर दोनों पल्ले होने चाहिए जिहड़े कि मोटाई दे विच हैल्पफुल होणगे जदों आपां पेज में उपरले हिस्से तो मोटा करांगे। देखो उपरले हिस्से तो भी पिंच करना बड़ा जरूरी हुंदा दस्तार नूं। ठीक है इहदे नाल दस्तार पिछे नूं गिरदी नहीं हैगी तो हमेशा मोड़ नूं बसदी आ पिछे नूं नहीं जांदी दस्तार। देखो इस तरीके नाल पेज नूं फोल्ड करके आपां लगा देना जे तुहानूं थोड़ी मोटी सैटिंग करनी पैंदी तां तुहानूं इसे दौरान करनी चाहिए बाद दे विच करनी औखी हुंदी आ कर जरूर हो जाती है पर औखी हुंदी आ बाद दे विच इस चीज़ की सफाई करनी इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख्या करो कि जिहड़ी अपना बेस भी है ना बेस नूं भी नाल नाल सैट करना पैंदा है कि कई बार बेस उपर नूं चढ़ जांदा है बेस नूं नाल नाल दस्तार बन्नण दे नाल नाल नीचे नूं दबना पैंदा है तां जो अपनी जिहड़ा बेस आ उह सही शेप देवे दस्तार नूं जिस चीज़ लई आपां बेस रख्या है। हर हिस्से तो सफाई की मदद नाल पेचा की जिहड़ी स्पेस आ उपरले हिस्से तो भी वह भी बराबर रखनी है जिवें कि जिहड़े पेच आपां डब्बी जी बना रहे आ इहनूं भी आपां इक्वल चौड़ी रखना है बाकी डब्बिया दे वांग ये ना हो कि अपना जो बेस उपरी रह जाए उन्होंने नाल नीचे भी दबावे थोड़ा जहा तो इस पेज में भी पिछे तक साफ करा उपर फोल्ड करके जिमें कि तुम्हें वीडियो के दिखाया जा रहा है। देखो बाकी पेचा वाग इस पेज में भी पिछे तक साफ करना जरूरी है ता जो बाद ठीक लगे पेच ये जो साफ नहीं होएगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा इसलिए उन्होंने नाल नाल ही साफ करांगे तो पिछे चूंडी भर के इस तरीके लगा देना है। जे तुहानू मेरे वीरों किसी दस्तार का ट्यूटोरियल चाहिए है जिहदा तुहानू लगता कि मैं हाले तक ट्यूटोरियल नहीं दिता शायद मेरी याद च ना हो तो तुसी मैनू कमेंट सैक्शन च जाके सजैशन दे सकते हो उहदी या मैनू मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ते जाके भी मैसेज कर सकते हो जे गलबात करना चाहते हो तुसी। ठीक है तो हुण आपां दस्तार की जिहड़ी शेप आ उहनू मेनटेन करांगे थोड़ा जिहा
ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਵਲਵ ਲਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਵੇ ਪੇਜ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਪੇਚਾ ਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3D ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ, ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 3D ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੀ ਟਾਈਪ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3D ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੱਲਾ ਨੀਚੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਡੱਬ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਡੋਂਗ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਲੜ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਲੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਪੇਚ ਉਹਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੇਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਜ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜ ਬਣਾਓਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜੇ ਪੇਜ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮੋਟਾਈ ਆ ਅਤੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮੋਟਾਈ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3D ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੇਚਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਿਛਲਾ ਲੁੱਪੀ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 3D ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਿਚਲਾ, ਅਤੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੇਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਟਾ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ।
तो सारे पेचा का इको जगह तो निकलना बड़ा जरूरी होंगे। वह कारण यह होंगे कि अपने पेज है जोड़े बड़े सोहने लगते हैं तो ना ही दस्तार कदम भी पिछे जाती है। देखो इस तरीके आप थोड़ी जी दस्तार की शेप में मेनटेन करा तो हूँ आप सारे पेचा हाईलाइट करके दिखावे नीचले हिस्से तो उपरले हिस्से तो ठीक है। देखो पहला आपला पेज करा आप स्पेस में थोड़ा मेनटेन करा जे थो लगता कि पेज की स्पेस ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर लड़ तो उन्होंने हूने सैट कर सकते हो क्योंकि आप हूँ आप सारे पेचा हाईलाइट करना है। तो इस तरीके चुंडी भर के उपरले हिस्से तो पेज में हाईलाइट कर सकते हो जिमें कि वीडियो के दिखाया जा रहा है। तो इस पेज में जिमें कि मैं तुम्हें पूरी वीडियो के स्टार्टिंग दे दिखाया है तो पहले पेज में लगाना उस तरीके ये फायदा होएगा कि तुहाडे पहले पेज से कभी भी वट नहीं पैणगे तो ढीला नहीं पेगा लड़ तुहाडा ठीक है। तो आ देखो ये तुसी इस पेज में भी उपरले हिस्से तो फोल्ड कर लेना है मतलब कि 3D कर लेना है। तो हम तीजे पेज में आप निचले हिस्से तो 3D करांगे जिमें कि तुसी वीडियो के देख रहे हो। हुण इस पेज में आप उपरले हिस्से तो भी करांगे 3D। देखो ये डब्बी बड़ी वधिया लगती है इस दस्तार की। मेरे कई वीर काफ़ी वीर कह रहे थे इस दस्तार का ट्यूटोरियल लैन लिया मैं इसलिए पहला पा रहा इस दस्तार का ट्यूटोरियल बाकी मेरे को बने तो काफ़ी पे है एक एक दिन के गैप ना मैं ट्यूटोरियल पोस्ट करा मेरे सारे वीरों एक एक दिन का तो गैप तुम्हें देखना ही पैना बाकी तुम्हें सीखने का भी टाइम चाहिए होंगे प्रैक्टिस करने का भी तो एक दिन बहुत है। तो जो आप पेचा 3D करना है ना तो एक गल का यह भी ध्यान रखियो कि सारे पेच है जोड़े वो इको जे 3D हो जिहड़ा एक पेज के दोनों हिस्से आ उपरला ते निचला वह तो बराबर हो ही तो जिहड़े बाकी हिस्से आ पेज के जिहड़े बाकी पेज ने उन्हां दे उपरले ते निचले हिस्से आ वह भी बराबर होने चाहिए ने इस दस्तार दे विच ते उन्हां नूं भी इसे तरीके नाल पिंच करना असीं निचले हिस्से तो उपरले हिस्से तो। देखो तुहानूं इस दस्तार का अलग तो बैकसाइड का ट्यूटोरियल नहीं चाहिए क्योंकि मैं पूरी दस्तार की वीडियो के बैकसाइड का विच ही ट्यूटोरियल दिता है तो जो तुहानूं किसी भी जगह तो दस्तार दे कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए तुहानूं पूरी डिटेल के ट्यूटोरियल दिता जाता मेरे वालों तो जो तुहानूं कभी भी कुछ पूछने की लोड़ ना पवे। बाकी जे तुहानूं किसी भी दस्तार का ट्यूटोरियल चाहिए तो तुसीं मैनूं मैसेज कर सकते हो या मेरी इसी वीडियो के कमेंट सैक्शन जाके कमेंट कर सकते हो। तो होर किसी टॉपिक पर तुहानूं कोई वीडियो चाहिए है तो तुसीं वह भी सुजैसट कर सकते हो मैं कोशिश करांगा जल्द तो जल्द तुहाडे लई उस किस्म दे वीडियो लैके आण दा ठीक है। तुसीं इसे तरीके नाल 3D करना इस पेज नूं भी जिथे जिवें कि तुहानूं इस वीडियो दे विच दिखाया जा रहा जे थोड़ी मोटी प्रॉब्लम आती है पेज नूं करन च तां इस तरीके नाल तुसीं सैट कर सकते हो। इहनूं हुणे इस पेज नूं उपरले हिस्से तो भी 3D करना जरूरी हुंदा है। तो जे तुसी किसी भी तरीके की दस्तार सीखना भी चाहते हो तो वह भी मैं सिखा दिना जी उस तुहानू मैं अपना राइट साइड नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिता हुआ उत्ते कॉल करके तुसी मेरे नाल गल कर सकते हो ठीक है। मेरे वीरों जे कोई मेरा वीर मेरे को आके दस्तार सीखने का चाहवान है तो मेरे ना फोन पर गल कर सकता है जिहड़ा कि नंबर मैं अपने राइट साइड नीचे दिता हुआ है। देखो जी दस्तार नूं उपरले हिस्से तो भी पेज दे नूं चंगी तरह असी इस तरीके 3D ते हाईलाइट कर लेना है तो लास्ट पेज नूं भी असी इस तरीके 3D कर लेना है जिमें कि तुहानूं वीडियो दे विच दिखाया जा रहा। पर सारे पेज इको जे ही मोटे होने चाहिए ने इको सारता दे विच चाहे वह एक पेज के दो पल्ले होण। तो हुण आपां तुहानूं दस दें जी आ जिहड़ा डोंग पैरे नूं सैट करांगे जिहड़ा डोल कपड़ा सी कह रहे अंदर हुण आपां उपर खिंच लैणा है। तो देखो इस तरीके नाल इस डोंग नूं आपां सैट कर लैणा है ठीक है। तो हुण आपां कलगी पेज लगावांगे कलगी वाला लड़ लगाने लई सब तो पहला असीं थोड़ा कलगी वाले पेज नूं गिल्ला करांगे इस पेज में चंगी तरह खोलवे तो तीजा हिस्सा उपरों जी नीचे फोल्ड करना है तो तीजा हिस्सा नीचे जी उपर फोल्ड करना है। तो इस तरीके पेज में लगा देवे तो अपनी लोड़ मुताबिक पेज में चौड़ा या घट चौड़ा कर सकते आप। देखो सैकेंड लास्ट पेज तो कलगी वाले पेज च उपरले हिस्से तो इन्नी स्पेस रखनी है जिनी कि अपना कलगी चौड़ी रखनी है ठीक है। मतलब कि जिन्ना अपना लास्ट पेज चौड़ा लगाया हों उन्नी ही स्पेस छड़नी है उपरले हिस्से पर वह सोहनी लगती है। घट वध स्पेस रखांगे फिर कलगी वाली जगह पर आके स्पेस वध जाती है तो वह सोहनी नहीं लगती। तो सिलाई की मदद नाल असी इस पेज में चंगी तरह पैरलर कर लेंगे। तो हुण आपां कलगी नूं लगावांगे कलगी लगाने लई सब तो पहला इस तरह कपड़े नूं इकट्ठा कर लेंगे अंगूठे च ते हाँ उंगल की मदद नाल ते फिर आपां पिन की मदद नाल नक दी सीत दे हिसाब नाल सेंटर च पिन लगावांगे। पिन हमेशा आपां नीचों जी उपर नूं लगानी है ता जो अपनी जे पिन हिले भी तो सीधी होवे ठीक है
कई बार आपां हुण करदे हां कि पिन आपां सीधी लगा लैंदे हां ते कलगी लगाउण वेले पिन साडी हिल जांदी है ते पिन हिल जांदी है ते कलगी वाला लड़ साडा खिसक जांदा है। तो उस प्रॉब्लम नूं दूर करन लई आपां हमेशा पिन थोड़ी जी टेढ़ी लगानी है नीचे नूं लैफ्ट साइड वाले लड़ वाले पासे नूं थोड़ी जी, ते कलगी आपां लोड़ मुताबक खोल लैणी है। तो उपरले हिस्से ते वी आपां दो पिनां लगा सकदे हां, तुहाडी मर्जी है। देखो पेच जे ज़्यादा वड्डा होवे तां तुसीं ना वी लगाओ कोई नहीं, क्योंकि पेच चंगी तरह दस्तार दे विच लग जांदा है। जे पेच लोड़ मुताबक आवे तां उहनूं तुसीं पिन नाल सैट कर लो तां ज़्यादा वधिया, क्योंकि आपां जदों बाहर जांदे हां बाइक वगैरह चलाने हां उस वक्त सानूं इस चीज़ 'च दिक्कत आती है, तो उहनूं आपां दूर कर सकते हां हुणे। तो हुण आपां उपरले हिस्से वाले पेच नूं सारे सिर के उपर इस तरह विछालवेंगे, डबल होवे पल्ला अपना, इस गल का ध्यान रखियो। तो पिछले पल्ले नूं इस तरह खिंच लेंगे, तो राइट साइड तो खब्बे हाथ की मदद नाल पेच अंदर करांगे राइट हैंड की मदद नाल, तो लैफ्ट साइड तो आपां खब्बे हाथ नाल पेच चक के सज्जे हाथ नाल अंदर करांगे। क्योंकि देखो आपां उपरले हिस्से ते डबल कवर इसलिए करते हैं ता जो अपने निचले हिस्से वाला पन्ना हुंदा ना बेस हुंदा उहदा कलर नहीं दिखता दस्तार तो बाहर, तो आपां दूजे शीशे की मदद नाल जे कोई थोड़ी मोटी कमी पेशी रह गई उहनूं दूर कर सकते हैं हुणे इसे वक्त, जिवें कि तुहानूं वीडियो दे विच दिखाया जा रहा है कि दूजे शीशे की वरतों तुसीं हर हिस्से तो सफाई करन लई कर सकते हो। जे तुहानूं होर टिप्स चाहीदियां ने तां तुसीं मैं एक पटियाला शेर दस्तार दे ट्यूटोरियल पावांगा होर डिटेल दे विच, तुसीं उहदे विच बाकी सारियां चीज़ां नूं कवर कर सकते हो। तो हुण आपां पिछला पेज लगावांगे, उहदे लई सब तों पहलां असीं इस पेज नूं पिछे तक चंगी तरह साफ़ करांगे, पिछे तक खोल लवांगे। तो देखो निचले हिस्से तों खिंच के रखना इस पेज नूं, चंगी तरह खिंच लांगे तो फिर राइट साइड तो फोल्ड करांगे, फिर लैफ्ट साइड तो, ते फिर राइट साइड तो जिहड़ा कलगी वाला पेच उहनूं नीचे ही खिंच के इस पल्ले नूं उपरों लिया के, ते फिर लैफ्ट साइड तो खिंच के लैफ्ट साइड वाले पल्ले विच दे के इस पेच नूं उपर चक के खिंच के लगाना है, तां जो कोई भी एक्सट्रा कपड़ा है वो इहदे अंदर दबिया जाए, जिवें कि तुहानूं वीडियो दे विच दिखाया जा रहा है। तो सिलाई दी मदद नाल इस कपड़े नूं अंदर चंगी तरह दबा देना है, ते जे तुहानूं ढिल्लापन रहिंदा तां सिलाई दे नाल तुसीं इस तरीके नाल कपड़ा अंदर कर सकदे हो हर हिस्से तों, ठीक है। हुण मेरे वीरो असीं तुहानूं सारी दस्तार दे दर्शन कराने जी, सब तो पहला तो फ्रंट तो, ते हुण लैफ्ट साइड तो, ते हुण बैक साइड तो जी, ठीक है जी। ते हुण तुहानूं असीं करावांगे राइट साइड तो। जे तुहानूं मेरे वीरो किसी भी दस्तार का लिंक चाहिए है तो और मैं डिस्क्रिप्शन च दिता हुआ, बाकी चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ, ते बैल आइकन नूं क्लिक कर दिओ, होर वीडियोज़ भी तुसीं आई बटन ते जा सकते हो, ठीक है। तो हुण मेरे वीरों मैनू दिओ इजाजत, गुरु फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।